दोस्तों आज थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई है। इस मूवी में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ जो है मुख्य भूमिका में। इस मूवी को बहुत ज़्यादा मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। मूवी एक्सपर्ट अनंत आदर्श ने तो इसे मात्र 2 स्टार दिए हैं और डिसअपॉइंटमेंट करार दिया है। जहाँ पहले बात चल रही थी कि ये मूवी सबसे ज़्यादा इस साल का कलेक्शन करने वाली है ओपनिंग डे का, तो वहीं अब ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। आपको 3 मूवीज़ बता दें जिन्होंने इंडियन सिनेमा के ऊपर सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। पहली मूवी है सरकार, जो कि है साउथ सुपरस्टार सूर्या की। दूसरी मूवी है संजू, जिसने 34 करोड़ का कलेक्शन किया था। और रेस 3 है तीसरी मूवी, जिसने 27 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये 3 मूवीज़ हैं जो कि इंडियन सिनेमा पे अब तक सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन दे चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में नंबर 1 पर है संजू और नंबर 2 पर है रेस 3। अभी बात करते हैं कि पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन जो है थग्स ऑफ हिंदुस्तान का क्रिटिक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा बताया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 45 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। जिस हिसाब से इसकी बुकिंग होती जा रही है उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव नहीं रहने वाला, क्योंकि बड़े बड़े मूवी क्रिटिक्स इस मूवी को एक डिसअपॉइंटमेंट बता रहे हैं, तो ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि मूवी पहले दिन का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना करती है। आपको क्या लगता है कि ये संजू का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।